दोस्तों, अगर आप भी एयरटेल का सिम यूज करते हैं और आप किसी अन्य नेटवर्क में पोर्ट कराना चाहते हैं एयरटेल के सिम को, और आप जब भी मैसेज सेंड कर रहे हैं 1900 पर, तो कुछ इस तरह से आपको भी हमेशा यहां पर मैसेज शो कर रहे हैं, आपका यूपीसी कोड ही जनरेट नहीं हो पा रहा है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। हमने कई बार यहाँ पर मैसेज सेंड किया है, जब भी यहाँ पर हम मैसेज सेंड कर रहे हैं तो कुछ इसी तरह से हमें भी प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पर चलिए हम आपको दिखाते हैं हमने कितनी बार मैसेज को सेंड किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 1900 पर पोर्ट के लिए कुछ इतनी बार मैसेज किया है और नीचे भी कई सारे मैसेज हमने सेंड किया है, पर जब भी हम मैसेज सेंड कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से हमें बार बार यही प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूपीसी काइन नोट भी जनरेटेड कुछ इसी तरह से हमें यहां पर लिखकर हर बार शो कर रहा है। तो आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, हमें भी यही प्रॉब्लम आ रही थी, पर हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए हैं, और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके अपने सिम को हमने जियो में पोर्ट भी करा लिया है। तो किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके जिस भी आप नेटवर्क में पोर्ट कराना चाहते हैं बहुत ही आसानी से पोर्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं कि हमारा यूपीसी कोड जनरेट हो चुका है और हमने अपने सिम को पोर्ट भी करवा लिया है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं, संडे को हमने 17 मार्च को यहां पर यूपीसी कोड जनरेट किया था, जो कि हमें 8 डिजिट का यहां पर यूपीसी कोड यहां पर हमें मिल भी गया था, और हमने यहां पर थर्सडे यानी कि 21 मार्च को जाकर हमने पोर्ट भी करा लिया था। दोस्तों, ये वीडियो हम काफ़ी लेट बना रहे हैं क्योंकि हमारा सिम पोर्ट भी हो गया है और यहाँ पर हम उस सिम को यूज भी कर रहे हैं। कुछ इस तरह से आप यहाँ पर पोर्ट रिक्वेस्ट देख सकते हैं हमारा यहाँ पर पोर्ट। यहाँ पर पहले आप यहाँ पर हमारा लाइव प्रूफ देख सकते हैं, एयरटेल यहाँ से बिहार से था, अब हमारा रिलायंस जियो यहाँ पर बिहार से हो गया है। हम एयरटेल सिम को बिहार यानी कि जियो ऐप में पोर्ट करा लिए हैं। यहाँ पर दोस्तों, आप यहाँ पर हमारा कंप्लीट देख सकते हैं, हमने यहाँ पर पोर्ट कराया था 21 मार्च को, और हमारा कंप्लीट यहाँ पर पोर्ट 24 मार्च को यहाँ पर हो गया है, और हम इस सिम को अब यूज कर रहे हैं। काफ़ी यहाँ पर आसानी से आप भी अपने यूपीसी कोड को जनरेट कर सकते हैं और किसी भी नेटवर्क में पोर्ट करा सकते हैं। ये दोस्तों प्रॉब्लम किस कारण से आ रही है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, हमने इस प्रॉब्लम हमें भी आया तो हमने अपने नज़दीकी एयरटेल स्टोर में भी गए थे हम। वहाँ पर जैसे ही गए तो वहाँ पर क्या हुआ कि उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो लोग यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, तो यहाँ से हम वापस ले अपने घर पर आ गए। घर पर आने के बाद हमने एयरटेल कस्टमर केयर के पास फ़ोन किया, उसमें हमें बताया गया कि हमने क्या है कि कुछ समय पहले हमने डाटा लोन लिया था, तो कुछ इस तरह से उन्होंने बताया कि हमने अपने नंबर पर डाटा लोन लिया था। कुछ इस तरह से आप भी डाटा लोन लिए होंगे, तो आपको डाटा को क्लियर करना होगा, जो कि आप स्क्रीन पर कुछ इस तरह से देख सकते हैं। हमने 1 GB यहाँ पर डाटा लोन लिया था, तो इसको हमने क्या है कि कुछ GB हमने डाटा को बाय किया, फिर इसको हमने इस डाटा को क्लियर किया जो हमने लोन लिया था। अगर आप भी डाटा लोन लिए होंगे तो आप जैसे ही जितने GB डाटा लोन लिए होंगे उतना GB आप डाटा को खरीदते हैं तो आपका डाटा काट लिया जाता है और आपका लोन क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप यूपीसी कोड के लिए मैसेज करते हैं, पोर्ट के लिए यहां पर मैसेज सेंड करते हैं, तो आपका यूपीसी कोड बहुत ही आसानी से जनरेट हो जाता है। दोस्तों, कुछ इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं, हमारे हाथ में यहां पर जियो का सिम है, जो कि हम कुछ समय 2 दिन पहले यहाँ पर पोर्ट करा कर लाए थे। हमारा चालू भी हो गया है, हम यूज भी कर रहे हैं, और ये दोस्तों आप हमारे हाथ में देख सकते हैं, ये हमारा एयरटेल का पुराना सिम है, इसको हम यहाँ से तोड़ने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आप कोई यूज नहीं है। तो कुछ इस तरह से आप भी बहुत ही आसानी से एयरटेल के सिम को किसी भी नेटवर्क में पोर्ट करा सकते हैं, आप यूपीसी कोड जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको भी कुछ इस तरह के प्रॉब्लम आ रही हैं, यूपीसी कोड जनरेट नहीं हो रहा है,
तो आप अगर एयरटेल सिम पर कोई सा भी यहाँ पर लोन लिए हैं या पेमेंट का लोन लिए हैं या आप डाटा लोन लिए हैं तो उसको आपको क्लियर करना होगा। फिर उसके बाद अगर आप यूपीसी कोड के लिए पोर्ट के लिए मैसेज सेंड करते हैं तो आपका सक्सेसफुल यूपीसी कोड जनरेट हो जाता है और आप किसी भी नेटवर्क में पोर्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप भी बहुत ही आसानी से किसी भी यहाँ पर नेटवर्क में पोर्ट करा सकते हैं एयरटेल से यूपीसी कोड जनरेट करने के बाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई होगी। तो कुछ इस तरह से आप भी बहुत ही आसानी से अपने यूपीसी कोड को जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो मिलते हैं इस तरह की एक और न्यू वीडियो में और न्यू टॉपिक के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।